फ्लाइट 370 साल 2014 की वो मिस्ट्री जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। पिछले 10 सालों से यह राज बना हुआ है कि आखिर वह जहाज कहां गया। इसे लेकर बहुत सी थ्योरी सामने आई है। प्लेन के गायब होने के बाद करोड़ों डॉलर लगाकर इसका मलबा ढूंढने की मेहनत की गई पर कोई नतीजा नहीं निकला। सोशल मीडिया पर मीम्स बने। लोगों ने कहा कि इस प्लेन को एलियंस ले गए। कुछ ने कहा कि इसे पायलट ने हाईजैक कर लिया। एक क्रेजी थ्योरी यह भी थी कि पायलट ने प्लेन के साथ ही सुसाइड कर लिया। यह समझ पाना मुश्किल है कि आखिर इस फ्लाइट के साथ असल में क्या हुआ। आज तक कोई भी प्लेन क्रैश की डिब्री मिलती है तो पहले भी चेक किया जाता है कि कहीं यह MS-370 की तो नहीं है। कुछ थ्योरीज तो यह भी कहती है कि इस फ्लाइट को किसी मिसाइल ने टक्कर मार दी, लेकिन ना तो कभी कोई निशान मिला, ना ही लोगों की लाश, और ना ही प्लेन का ब्लैक बॉक्स, और ना ही प्लेन का कोई हिस्सा। आज हम इसी मिस्ट्री के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ। फ्लाइट MH-370 में 239 लोग सवार थे। मलेशिया के स्थानीय समय 12:41 यानी भारत में 7 मार्च रात 10:30 के आसपास एक प्लेन कुआलालंपुर एयरपोर्ट से निकलता है। यह प्लेन टेक ऑफ करने के 3 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार से गायब हो जाता है। एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है और पहला संकेत मिलता है कि प्लेन का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया है। ऐसा करने वाला या तो पायलट या फिर को पायलट हो सकता है। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री MH-370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड के अनुसार मिलिट्री रडार ने इसके बाद भी इसे ट्रैक किया था। उस डेटा के हिसाब से इस प्लेन ने एकदम से अपने रूट में डाइवर्जन किया था। यह मलेशियन पेनेसुला की तरफ ही मुड़ गया था। आखिरी वॉइस कॉन्टेक्ट मलेशियन स्टैंडर्ड टाइम 1:19 को हुआ था और फिर 2:22 पर यह प्लेन गायब हो गया। जब वह गायब हुआ तो प्लेन पेनांग से 230 मील आगे जा चुका था। इतनी खोज के बाद भी यह नहीं पता लगाया जा सका कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ है। यह प्लेन इस तरह से गायब हुआ कि क्रैश लोकेशन के बारे में भी पता नहीं चला। अगर प्लेन अपनी स्पीड में पानी से टकराता तो उसके टुकड़े कहीं तो गिरते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज भी उसकी फाइनल रिपोर्ट कहती है कि यह प्लेन कहां गायब हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या हल हो पाई है एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री MH-370? तो इसका जवाब हमेशा यही रहा है, नहीं। यह मिस्ट्री अभी तक हल नहीं हो पाई है और इसे लेकर सबसे चर्चित थ्योरी यही है कि प्लेन के पायलट ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी मौत की नींद सुला दिया। एविएशन एक्सपर्ट्स के साथ शूट की गई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया कि लंदन स्थित सैटेलाइट ऑपरेटिंग कंपनी इनमास्ट और कई एक्सपर्ट्स के डेटा के मुताबिक प्लेन ने अपना रूट बदला और उसी रूट पर कुछ घंटे उड़ता रहा और फ्यूल खत्म होने के बाद कहीं हिंद महासागर में जाकर डूब गया। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पायलट ने प्लेन को डिप्रेसाइज कर केबिन में मौजूद सभी लोगों को पहले ही मौत की नींद सुला दिया था और उसके बाद उसे क्रैश किया। हालांकि यही सबसे चर्चित थ्योरी है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि वाकई में यह प्लेन पायलट की वजह से गायब हुआ।